हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नीट 2021 की जो बोटनी का सेक्शन बी के क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी के लाइन से किस तरह से आया है। इसमें एनसीईआरटी के उस लाइन को अंडरलाइन किया हुआ है जिस लाइन से क्वेश्चन आया है। आप भी अपने एनसीईआरटी में साथ साथ अंडरलाइन करते जाइए, इससे आपको एनसीईआरटी पर विश्वास बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़ पाइएगा और अगले एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन पेपर M2 सेट का है। आपके पास जो भी सेट का क्वेश्चन होगा इससे और अपने वाले क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन NCERT से मिलाते जाइएगा।
हेलो दोस्तों, अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि यह वीडियो बहुत ही काम का है और बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि जो भी अच्छे कंटेंट होते हैं उसे सब तक पहुँचाना एक एक का फर्ज होता है। देखिए, इस तरीके से अगर एनसीईआरटी पर अगर विश्वास बढ़ जाएगा तो एनसीईआरटी को पढ़ने में मन लगेगा, और साथ ही जो है एनसीईआरटी का जो लाइन है और उस लाइन से किस तरह से क्वेश्चन जो है नीट के जो सेटर हैं, नीट के जो क्वेश्चन पेपर के जो सेट करने वाले हैं वो किस तरह से सेट कर रहे हैं ये पता चल जाएगा। और साथ ही जो है क्वेश्चन का किस तरह से मतलब कि फ्रेम होकर आ रहा है ये पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी की लाइन से किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है।